हेलो यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद स्नेहा एंड दिस इज स्नेहा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग दिस लैक्मे ल्यूमी क्रीम। इसका कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ फुल रिव्यू प्लस डेमो शेयर किया था एंड काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस वीडियो पर कि इसको कैसे यूज़ करना है। मैंने हालांकि बताया था उस वीडियो में, बट स्टिल बहुत लोग कन्फ्यूज है कि इसको प्राइमर के पहले यूज़ करना है, बाद में यूज़ करना है, मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करना है या फाउंडेशन के साथ यूज़ करना है। सो टुडे आई विल शेयर विथ यू गाइज द डिफरेंट ways of using this Lakme Lumi cream or any strobing cream like this, जैसे कि स्विस ब्यूटी का भी आता है, कोई सा भी स्ट्रॉबिंग क्रीम हो उसको यूज करने के डिफरेंट वेज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप हो इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड या गाइज यहाँ तक आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ऑल्सो कैन लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसे आपको वीडियो लगा। तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते और वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रॉबिंग क्रीम होता क्या है। जैसे कि ये स्विस ब्यूटी का है यहाँ पर, तो ये इस तरह का क्रीम होता है जिसमें ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं, बट वो बहुत ही फाइन ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं और हमारी स्किन को वो बहुत ही ल्यूमिनस इफेक्ट देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बहुत ही ग्लोई और हाइलाइटिंग इफेक्ट है ना, वो ये प्रोवाइड करता है ये स्ट्रॉबिंग क्रीम। तो इसकी वजह से एक नेचुरल हाइलाइटिंग इफेक्ट आपको मिलता है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लगती है। तो ये इसका मेन यूज होता है। आपको मार्केट में बहुत सारे स्ट्रॉबिंग क्रीम मिल जाएंगे, जैसे कि ये है 299 का, ये भी है 299 का, ये आई गेस 280 का ही था। मेबेलिन का आपको स्ट्रॉबिंग क्रीम मिल जाता है, मैक का स्ट्रॉबिंग क्रीम मिल जाता है, उसी तरह से ये भी है। एंड जैसे कि ये स्विस ब्यूटी का है, दिस क्लेम्स रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर, तो ये हाइलाइट भी करेगा और साथ ही साथ दिस हैज अ प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमर आल्सो, तो प्राइमर का भी थोड़ा बहुत ये काम कर देगा। एंड जैसे कि लैक्मे का ल्यूमी क्रीम है, इसमें दिस क्लेम्स मॉइस्चराइजर विथ हाइलाइटर, तो इसमें प्राइमर की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है, बट येस इट विल मॉइस्चराइज योर स्किन। एंड येस गाइज, दिस इज अ सेपरेट प्रोडक्ट, तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ये आपको फुल्ली मॉइस्चराइज नहीं करेगा, बस थोड़ा बहुत ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ये कम्प्लीटली आपके स्किन टाइप पर डिपेंड करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर इसको यूज करना चाहते हो तो पहले आप इसको पैच टेस्ट करवा करके देख सकते हैं एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है या नहीं होती है, बिकॉज इट सेज कि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो ये आपके स्किन पे डिपेंड करेगा, जैसे कि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई साइड पे है तो बस इतने से मेरा काम नहीं चलता है, मुझे सेपरेटली मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ता है। तो आपका जो CTM रूटीन होता है, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, या फिर बहुत सारे लोग फेस सेरम्स भी यूज करते हैं, तो आपको उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जैसे कि आप पहले सेरम अप्लाई करते हो, वो आपको अप्लाई करना ही करना है और देन आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी, मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, मैंने बस काजल वगैरह लगाया है, तो सबसे पहले मैं ये मॉइस्चराइजर लूंगी और इसमें मैं क्या करूंगी, ये क्रीम मिक्स कर दूंगी लैक्मे का। इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, सो दैट अब क्या होगा, मुझे ये मॉइस्चराइजर का भी इफेक्ट मिल जाएगा और यू कैन सी ये एक ग्लोई इफेक्ट भी दे रहा है। तो मुझे ये मेरे, तो इसके साथ मेरे दोनों काम हो रहा है। तो दिस इज द वन वे यू कैन अप्लाई एनी स्ट्रॉबिंग क्रीम। आप चाहो तो डायरेक्टली भी ये स्ट्रॉबिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर। सो इनको यूज करने का कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं होता है, आप जिस तरह से भी चाहो इसको यूज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं एंड इस पर हमारा मेकअप कर सकते हैं। आप देख सकते हो तुरंत ही मेरा फेस कितना ज्यादा ल्यूमिनस हो गया है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। सो आफ्टर दिस माई स्किन इज कम्प्लीटली रेडी फॉर एनी फाउंडेशन। इसके बाद भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो ये ल्यूमिनस जो इफेक्ट है वो वैसे के वैसे ही रहेगा और मेरा फेस काफी ज्यादा ग्लोई लगेगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड यू कैन यूज एनी स्ट्रॉबिंग क्रीम। हमारा सेकेंड मेथड है, पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही होता है। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर, दिस मालियो का प्राइमर, आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपके पास है। अब इसके ऊपर मैं यूज करूंगी लैक्मे ल्यूमी क्रीम। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर, जो भी आप अपना बेस मेकअप करना चाहो, तो ये है एक सेकेंड वे। थर्ड वे मैं आपको अभी बताऊंगी। थर्ड वे में आप क्या कर सकते हो, आपका फाउंडेशन आपको लेना है, उसी में आप ये स्ट्रॉबिंग क्रीम मिक्स कर सकते हो। यस, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो।
तो आपका फाउंडेशन ही थोड़ा सा ल्यूमिनस हो जाएगा एंड इसको अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे यू कैन सी फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी मेरा फेस पूरा मैट नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने ये ल्यूमिनस क्रीम अप्लाई किया था। मेरा फेस काफी ग्लोई लग रहा है, विद इन काइंड ऑफ ग्लो प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक वे होता है इसको यूज करने का। एंड इसके ऊपर अगर आप कॉम्पैक्ट अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा जो ल्यूमिनस इफेक्ट है ना वो उसका कहीं ना कहीं हट जाएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट क्या करता है, मैटिफाइंग करने का काम करता है, तो ये जो ल्यूमिनस इफेक्ट है ये तो जाना ही जाना है। तो आप अगर कॉम्पैक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो तो एंड में आप जरूर सेटिंग स्प्रे से इसको सेट करना, सो दैट इसका जो ग्लो है वो वापस आ जाए। एंड या गाइस नेक्स्ट मेथड मैं आपको अभी बताती हूँ। नेक्स्ट मेथड ये होगा कि गाइस समझ लो आपने यहाँ तक अपना मेकअप पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपने ये ल्यूमी क्रीम अप्लाई ही नहीं की है, जैसे कि आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, फिर आपने प्राइमर अप्लाई किया, देन आपने फाउंडेशन कंसीलर ये सारा कुछ अप्लाई कर लिया है, देन फॉर हाईलाइटिंग पर्पज हम यूज कर सकते हैं ये क्रीम इस तरह से, बस अपने हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ आर चीक इस तरह से, तो ये भी काफी एक अच्छा आपको हाइलाइटिंग इफेक्ट देगा। इसको देन आप अपने नोज पे भी यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपके साथ मैंने 4 डिफरेंट वेज शेयर किए हैं इस ल्यूमी क्रीम को यूज करने के। सो आई होप आपका अभी जो कंफ्यूजन था काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो एंड पूछ सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड या गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। एंड यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।